आपने इस प्लान के बारे में राज को बताया? एक बार प्रीत की चीख की आवाज आएगी ना, राज के साथ साथ सबको पता चल जाएगा। क्या हुआ साक्षी? इस प्रीत ने मेहंदी के किसी एक कोन में केमिकल मिलाकर उस ट्रे में रख दिया है। राज, तू तो जानता है ना कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तूने कहा और हमने मान लिया। एक एक मेहंदी का कोन तेरे हाथों पे लगा के चेक करूंगा, हमें भी तो पता चले किस मेहंदी के कोन में केमिकल मिला हुआ है। राज, क्या हो गया है? ये चिल्ला क्यों नहीं रही है? हो गई तसल्ली,
ये शगुन तो तूने खुद ही कर दिया राज। समझ अपनी भावनाओं को, मैंने खुद देखा था। तू भी प्रीत के लिए डर रहा था, मेहंदी की हर लकीर में तेरा डर नजर आ रहा था कि कहीं प्रीत का हाथ चल न जाए। अब तो समझ जा राज, पहले गणपति जी का आशीर्वाद, फिर हल्दी और अब ये मेहंदी जो तूने खुद प्रीत को लगाई है, ये शगुन तो तूने खुद ही कर दिया। और ये कोई चाल नहीं है प्रीत की, ये तो साक्षी और मोहिनी की चाल है जो इन पर उल्टी पड़ गई। इन दोनों ने एक गंदा खेल खेला है प्रीत के साथ। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाती हूं। ये देख, ये है वो जला हुआ कागज जिस पर केमिकल वाली मेहंदी गिरी थी। इस कोन को उठा दिया था और उस मेहंदी वाली ट्रे से हटा दिया था। अगर प्रीत चाहती ना तो ये कोन वापस रख सकती थी साक्षी के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जो खेल साक्षी ने खेला वो प्रीत ने नहीं खेला। फर्क है साक्षी में और मेरी बहू प्रीत में। मुझे इस मामले को अभी ठंडा करना होगा, राज का ध्यान भटकाना होगा। ठहर जाओ अबे बच्चा। आरजू, दूल्हे के हाथ में भी तो दुल्हन का नाम लिखा जाएगा ना मेहंदी से। अरे तो खड़े क्यों हो, जाओ ले जाओ इसे। चलिए, आपके हाथ में दुल्हन का नाम लिखना है, चलिए। दुल्हन का नाम बताइए।
जाता है ना दुल्हन का। प्रीत चाहे जितना भी मना करे राज, मुझे यकीन है कि तू सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तूने मेरा नाम पत्नी के रूप में लेकर ये साबित कर दिया कि तू सिर्फ मेरा है। जी क्या कर रही हो? सुखी एक काम कर, पता लगा ये किसकी गड्डी का नंबर है। पर ताई जी बात क्या हुई है? सवाल जवाब करना जरूरी है। अगर सवाल जवाब कर रहे हैं ना दे वापस, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं नहीं ताई जी, मैं पता कर लूंगा। दीजिए अगर एक बार मुझे ये पता चल जाए कि वो गाड़ी किसकी है तो शायद मैं सिमी तक पहुंच सकती हूँ। राज ये तेरे पति का नाम। शुक्रिया मम्मी जी। अरे प्रीत एक मिनट रुक। ये तेरी शादी की खुशी में तू मुझसे पूछ रही थी ना कि तू जीती या हारी। अपनी मेहंदी को ही देख ले, जवाब तेरे सामने है। राज ने खुद तुझे मेहंदी लगाई। मैंने देखा था जब उसने मेहंदी का कोन उठाया, वो बहुत डर गया था तेरे लिए। सब ठीक होगा, अब तू जल्दी से मुझे टेलर का नंबर दे दे, मैं लहंगा मंगवा देती हूँ। हाँ मम्मी जी। फोन में है। हेलो जी, मैं बाजवा हवेली से बोल रही हूँ। वो दुल्हन का दूसरा लहंगा बन गया ना जी? तैयार है। ठीक है मैं मंगवा देती हूँ। तो फिक्र मत कर, भगवान तेरे साथ है।
अब आप दोनों की शादी बिना विघ्न के पूरी हो जाएगी, यही विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आशीर्वाद है। राज की झूठी हल्दी तो प्रीत को लग गई, लगता है भगवान को भी ये जोड़ी पसंद है। मैंने खुद देखा था, तू भी प्रीत के लिए डर रहा था। मेहंदी की हर लकीर में तेरा डर नजर आ रहा था कि कहीं प्रीत का हाथ चल न जाए। अब तो समझ जा राज, पहले गणपति जी का आशीर्वाद, फिर हल्दी, और अब ये मेहंदी जो तूने खुद प्रीत को लगाई है, ये शगुन तो तूने खुद ही कर दिया। चलिए आपके हाथ में दुल्हन का नाम लिखना है, अपनी दुल्हन का नाम बताइए। प्रीत। क्या कर रही है? जा यहां से। यहां ना ही कोई मेहंदी हो रही है और ना ही कोई हल्दी का प्रोग्राम। जा यहां से। सुना है पीने के बाद इंसान सच बोलता है। सच है? सच है? सच सच बात है तो ठीक है,
तू मुझे बता, तू मुझसे कितनी नफरत करता है और कितना प्यार करता है। मैं तुझसे बहुत नफरत करता हूं, इतनी कि तू सोच भी नहीं सकती। और प्यार